भारत को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। यूपी पर जनसंख्या नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कले घोषणा कहले बर्धित जनसंख्या विकास रे बाधक जनसंख्या नियंत्रण पर सचेतनता जरूरी। उड़ान योजन चलाचल हो अधिक विमान केन्द्र बेसामरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घोषणा हजारे नुआ विमान मार्ग आरंभ करने को केन्द्र योजना। प्रधानमंत्री मोदी फोकस रे ओडिशा जल जीवन मिशन अधीन ओडिशा पर 3,323 कोटी टंका आवंटन 2020-21 तुलन में चारिगुणा अधिक राज्य को संपूर्ण सहायता प्रदान को निश्चित कले केन्द्र जलशक्ति मंत्री। देश में समांतराल स्थित में कोरोना सुस्थता हार में नियंत्रण वृद्धि गत 24 घंटा 41,506 नुआ केस दिया सरी 37,60,000 अधिक डोज दिनक 37,00,000 अधिक डोज प्रदान। तृतीय लहर कारण होपे लांबाड़ा और डेल्टा प्लस वेरिएंट युके अधिक मात्रा में चिन्हट है लांबाड़ा वेरिएंट भारत को व्यापार संभावना सरकार को सतर्क दृष्टि रखा परामर्श दे स्वास्थ्य विशेषज्ञ। राति पाहिले विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा काली भाई भौनी को सांगरे नहीं बड़दांड को ओल्लाइबे कालिया सांत पुरी रे पुलिस छाउनी सेपटे आज 48 घंटिया कर्फ्यू बाहर लोकों को पुरी मना। एथर संपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश रे नुआ जनसंख्या नीतिर घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति घोषणा करिछंती। अवसर योगी कहिछंती बढ़ुतिबा जनसंख्या विकास रे बाधक जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास होगा जरूरी बढ़ुवा जनसंख्या समाज रे गरीबीर कारण से कहते दुईट पिला मध्यरे अधिक अंतराल ना द्वारा से पोषण उपरे प्रभाव पड़पे यहाँसह मार स्वास्थ्य मध्य भल रहीपर। मुख्यमंत्री कहते गरीबी और बढ़ुवा जनसंख्या गोटे अन्सह जड़ित। आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रखकर के जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। नुआ दायित्व ग्रहण करिबा परे आक्शन रे मोदी कैबिनेट रो नुआ मंत्री केन्द्र सरकार को उड़ान योजना अधीन रे अधिक विमान चलाचल नहीं घोषणा करिछंती केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड़ान स्कीम अधीन रे छोट शहर एवं मेट्रो शहर जोड़ीबा पई अधिक विमान चलाचल कराजिबो बोली केन्द्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घोषणा करिछंती। 100 संरक्षित एवं अणसंरक्षित विमान बंदर को कार्यक्षम करिबा एवं उड़ान अधीन रे अति कम रे 1,000 विमान मार्ग आरंभ करिबा को केन्द्र योजना करिछि। उड़े देश का आम नागरिक नारे जून 2016 रे प्रधानमंत्री एही योजनार आरंभ करिथिले। एही योजना देशर दूर तथा आंचलिक अंचल सह संयोग वृद्धि एवं विमान यात्रा को सुलभ करिबा पई उद्दिष्ट। प्रधानमंत्री मोदी फोकस रे ओडिशा जल जीवन मिशन अधीन ओडिशा पई केन्द्र सरकार 3,323 कोटी टंका आवंटन करिछंती। प्रत्येक परिवार को टैप जोगे स्वच्छ पानीय जल पहुंचाइबार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लक्ष्य रही। प्रत्येक परिवार को विशेषकर महिला और शिशु जीवन में उन्नति आने टैप जोगे स्वच्छ जल जोगाई देबा पई 2021-22 जल जीन मिशन अधीन ओडिशा को 3,323.42 कोटी टंका आवंटन करा जाय छि, जहां 2020-21 तुलना रे 4 गुण अधिक। 2020-21 रे 812.15 कोटी टंका आवंटन करा जाय थिला। केंद्र जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत आवंटन रो एही 4 गुण वृद्धि को अनुमोदन करबा बळे मार्च 2024 सुधा प्रत्येक ग्रामांचल रे टैप जल जोगाण पई राज्य को संपूर्ण सहायता प्रदान करबा को निश्चित करिसथि। पद्म पुरस्कार को नहीं प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को एक अपील करिसथि। तृणमूल स्तर रे समाज रे असाधारण काम करूथिबा लोकंकु पद्म पुरस्कार पई नामांकन करबा को अपील करिसथि। निस्वार्थ पर भावे काम करूथिबा प्रेरणादायी व्यक्ति को मिलु पद्म पुरस्कार, एपरी लोकंक विषय रे जणाइबा को देशवासी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आह्वान करिसथि। प्रेरणादायी व्यक्ति को चिन्हट कर संपर्क में पद्म सम्मान वेबसाइट माध्यम रे सूचना अपलोड करने को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पीपुल्स पद्म ना देखते। पद्म पुरस्कार पाई नामांकन शेष तारीख सेप्टेम्बर 15 रखा जा। देश में कोरोनार द्वितीय लहर कोप कमिबारे लगी। वर्तमान समांतरल स्थिति रे कोरोना थिबा बेले सुस्थता हार निरंतर वृद्धि घटुछि। गत 24 घंटा रे देश में 41,506 नुआ केस चिन्हट होइतिबा बेले 41,526 कोरोना रोगी सुस्थ होइछन्ते। देश में वर्तमान एक्टिव केस लोड 4,54,118 रहिछि, जहां समुदाय केसर 1.47%। सेपटे देश में दैनिक पॉजिटिविटी हार गत 20 दिन धरी 3% तले 2.25% रही। आरोग्य हार 97.20% को वृद्धि होई। सेपटे देश में वर्तमान सुधा 37,60,000 अधिक डोज प्रदान करा गत 24 घंटा 37,23,367 डोज वैक्सीन प्रदान करा। राज्य में कोरोना मृत्यु रे लागुनी ब्रेक, पुणी रेकर्ड 65 जन जीवन नहीं भाइरस। खोर्धार सर्वाधिक 14, बरगढ़ केन्दुझर 6 जन लेखाएं मृतक रही। मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4,569 पहुंची। सेपटे 24 घंटा राज्य 2,282 पॉजिटिव चिन्हट होती। खोर्धार सर्वाधिक 592 आक्रांत रही। कटक 299, मयूरभंज 141, पुरी 127 और जाजपुर 111 आक्रांत रही। मिसाई राज्य में मोट एक्टिव केस संख्या 25,461 पहुंची। तृतीय लहर कारण हो पारे लंबाड़ा और डेल्टा प्लस वेरिएंट, यहाँ पर सरकार को सतर्क दृष्टि रखा पड़े। त्रिपुर में 90% डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्हट होते। वर्तमान सेठी आक्रांत संख्या दिनकू दिन वृद्धि पाउछि। जेहेतु गोटे राज्य में बढ़ुची, तेणु अन्य राज्य को यह व्यापार जथेष्ट संभावना रही। सेथिपाई कोविड गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव अनुपालन करिबार आवश्यक रही। कटक, खोर्धा, जाजपुर, मयूरभंज, पुरी भली जिला रे संक्रमण कमुना, एटी अनलॉक प्रक्रिया जारी रहा। कोविड नियम को कड़ाकड़ी लागू करा दरकार। लंबाड़ा वेरिएंट दक्षिण अमेरिकार चिली रे अधिक चिन्हट होते, मात्र यही वेरिएंट द्वारा पेरू रे अधिक मृत्यु होती। गत वर्ष सेप्टेम्बर में यह देखादेला, यह वर्तमान विस्तृत अनुधान होना। जेहेतु वर्तमान यूके रे यहाँ देखागला, यूके रु भारत को अधिक लोक जातायात करुछन्ते, तेणु यह सतर्क दृष्टि रखा समय आह्वान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कही, मात्र वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहीना बोली स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते नीरज मिश्र। जेहेतु साउथ आफ्रिका एत डिटेल फैसिलिटी नाला स्टडी करने, किंतु जेहेतु तर हायर डेथ बहुत होता पर मिलियन, तेणु आमको टी मन रखा पड़ो गोटे स्ट्रेन्थ अफ कनसर्न होपे। एवं ये जो आम डब्ल्यूएच भी गोटे भेरिएंट अफ इंटरेस्ट कही, भेरिएंट अफ कनसर्न एपर्त कही आमपाई चिंता टे बढ़ी, कारण एवं रिसेंटली सेटा यूके एवं किसी यूरोपियन कंट्री डिटेक्ट है से स्ट्रेनटा। एवं से स्ट्रेनटा जेहतु जेहतु यूके यूरोप रु बहुत आमर मानने लोक ये इंडिया को आसती, एयरलाइंस मूवमेंट बहुत अच्छी, तो
तेणु से आम इंडिया को आसो कि डरटा गोटे रोचे हाँ ना यहाँ गोटे कि आम कनसर्णिंग न्यूज आसला जेहतु 90% केसेस जहाँ जेनेमिक सिक्वेन्स डेल्टा प्लस बाहर त्रिपुरा जानते त्रिपुरा गोटे स्टेट जोटा कि अच्छी जो थे कि आम केस लोड कम ना केस लोड अधिक अच्छे पॉजिटिविटी अधिक अच्छे तेणु से गोटे कनसर्न रहा है कि आम डेल्टा प्लस टाक नजर रखा पड़े जेहतु से अलरेडी एक्जिस्ट करम कंट्री में तेना डेल्टा प्लस जदि सीढ़ी जमी डोमिनेंट स्ट्रेन होगी केरल जमी अन्य जगह डोमिनेंट स्ट्रेन न हो एपर्यंत तार देखा जो डोमिनेंट स्ट्रेन एवं भी डेल्टा स्ट्रेन डोमिनेंट स्ट्रेन अच्छे किटा गोटे पर नजर रखा पड़ो आमको डेल्टा प्लस वेरिएंट उपर भी नजर रखा पड़ो जेहतु गोटे स्टेट से डोमिनेंट स्ट्रेन होगा समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर जारी रहा किसी गुरुत्वपूर्ण खबर ब्रेक परे स्वागत दिल्ली हाइकोर्ट को ठारु कड़ा जवाब पाइबा परे ट्विटर इंडिया शेषे भारत एक अभियोग अधिकारी नियुक्त करिछि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म रो वेबसाइट रो उपलब्ध सूचना अनुसार विनय प्रकाश वर्तमान भारत रे ट्विटर रो अभियोग अधिकारी हेबे जुलाई 8 रे एक मामलार सुनानी बेले दिल्ली हाइकोर्ट ट्विटर को कहिछन्ते जे जदि यहा भारत रो नूतन आईटी नियम कार्यकारी न करे तबे तांको कोनोसी आइनगत सुरक्षा दिया जाई पारिबो नाही। गत 2 मास धरि ट्विटर एवं भारत सरकारक मध्यरे मुहामुही परिस्थिति जारी रहिछि। बारंबार विज्ञप्ति ग्रहण करबा सत्वे ट्विटर भारत रो नूतन आईटी नियम कार्यकारी करि पारि नाही। अफगानिस्तानर कंधार स्थित दूतावास कार्यालय कार्य करुथिबा 50 जन भारतीय अधिकारी स्वदेश फेरिबा को परामर्श दियाजैछि। अफगानिस्तान रे तालिबान आतंकवादी संगठन सक्रिय हेबा सहित उग्र हेबारे लागिथिबारु भारत सरकार पक्ष सुरक्षा दृष्टि एभली निष्पत्ति ग्रहण करायैछि। पूर्वरु भारतीय बहिर्व्यापार मंत्रालय पक्षरु कहायैथिला जे परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखायैछि। भारतीय अधिकारी सुरक्षा को दृष्टि रखि पदक्षेप ग्रहण करायैबो बोली बहिर्व्यापार मंत्रालय सूचना देथिले। गत 2 सप्ताह धरी देशरे लगातार आतंकवादी आक्रमण होथिबारु भारत सरकार दूतावास खाली करबाकु अधिकारी लागि सतर्क सूचना जारी करिछन्ते। गर्भवती महिलांक पई देवदूत साजिले रेलबाई पुलिस स्टेशन रे गर्भवतींक प्रसव कराई चर्चा रे भुवनेश्वर रो रेलबाई पुलिस रेल यात्री को सहयोग हात बढ़ाई एवं चर्चा रे राजधानी रो जनगहलीपूर्ण स्टेशन हावड़ा जसवंतपुर रो आसुथिबा एक ट्रेन रे जणे गर्भवती यंत्रणा रे छटपट होउथिबा स्टेशन को सूचना आसीथिला। एहा परे स्टेशन रे आरंभ होइथिला प्रस्तुति। ट्रेन टी 4:44 रे प्लेटफॉर्म रे पहुंचबा खणी पूर्व प्रस्तुति होइथिबा आरपीएफ रे एसआई सचला प्रधान ओ मेरी सहेले टीम तुरंत सहयोग करी सही गर्भवती महिला को ट्रेन बाहर को आनीथिले। परे उपस्थित थिबा बेले डाक्टर टीम महिला को स्वास्थ्य अवस्था तदारक करथिले। महिला जणक 4:55 रे एक शिशु पुत्र को जन्म देथिले। एहा परे महिला जणक आंबुलांस जोगे कैपिटल हॉस्पिटल को पठा जाइथिला। काली वाईपीआर हाउडा वाईपीआर रे जणे आईएस बेबी नामक जणे S4 रे जाउथिले तांकर प्रेग्नेंट टाइम माने पीरियड हो जाइथिला पटा तो से लेबर पेन पाउथिले आमे खबर पाई तांकु अटेंड करथिलु आ किछि समय परे आमे तांकु सुरक्षा देथिलु तापर से गोटे पुओ जन्म करथिले। तो आज जाने पहुंचा तो कल मेरे को डिलीवरी हो गया तो पुलिस भैया ने टीटी भैया ने वो लोग मदद किया बहुत बहुत शुक्रिया है वो लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। पैसेंजर को त्वरित सेवा जो दोगे जोगे दवा किसी धरन तो असुविधा रे सेटा होची रेलवे रो मोटो आउ से जो पिलाटा जन्माला से भारी लक्की आउ हमारी रंग को पाई खुशी रो विषय जे भुवनेश्वर स्टेशन रे से आसिकना ट्रेन रे जन्माला। बुलेटिन रे समय छ आ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत। राती पाहिले रथयात्रा नवदिनात्म यात्रा रे बड़ दांड को ओह्लैबे कालिया सांत सेथिपाई रथ भी प्रस्तुत आ चक भी प्रस्तुत अपेक्षा केवल महाबाहुंक आगमन को रथकला को आज्ञामाळ विजे कले पूजा पंडा महाप्रभुंक आज्ञामाळ पाइबा परे सिंहद्वारा चकड़ा अभिमुखे बाहरी थिला तीन रथ। यहाँ परे रथर चक अखरे तळ लागि होईछि
ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ସହରକୁ 12ଟି ଜୋନ୍ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। 10 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 31 ଡିଏସ୍ପି, 64 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 222 ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏସ୍ଆଇ ମୁତୟନ ହେବେ। ପୁରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର। ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ଯାଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ ସଫଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ IG ଆଡ଼ିସନାଲ୍ GG ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ଯେ ରିଭ୍ୟୁ କଲି, ମୁଁ ପାଇଲି କି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଖୁବ୍ ହାଇ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେ ଅଫିସର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନା କିଛି କଥା ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡ଼ିକ୍ୱେଟ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ଖୁବ୍ ଭଲ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କି କାଲି ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଦିନେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକା ରଥ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ କେଉଁ ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ନ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଭଜନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଜନଟିକୁ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେର ଗାଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗାୟକ କୈଳାସ ଖେର। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀ ନଯାଇ ଘରେ ରହି ମହାବାହୁଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏହାସହ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆଉ ଭାରତର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟକ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କୈଳାସ ଖେରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ, ରଥ କାଲି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଭଳିଆ ଏକ ଭଜନ, ଏଭଳିଆ ଏକ ସମର୍ପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆଉ କୈଳାସ ଖେର ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରୋନାର ବିକଟ ସ୍ଥିତି ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉନାହିଁ, ପୁରୀରେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ କଟକଣା ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି, କୋଭିଡ଼ର ଆହ୍ୱାନକୁ ଦେଖିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ସେହି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସମର୍ପଣ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଆମର ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିକି, ଆଉ ନିଜେ ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବଡ଼ ଅନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଅଛି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କଲେ, କମସେ କମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ରଥରେ ତ ପୁରୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆସ୍ଥା ତିଆରି ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସହ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ରଥଯାତ୍ରା କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଜିତନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ତରଫରୁ ଜିତନ୍ତୁ ସୁନାମୋହର।
तुरंत डाउनलोड करंतु आर्कस न्यूज आप। समय सरची पॉजिटिव भारत को एठ रखुछु। नमस्कार।